Hey friends, welcome back to educational channel by Ritashu. कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं लिपि किसे कहते हैं या फिर लिपि की क्या परिभाषा होती है. तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं. मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं. अलग अलग भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है, जैसे हिंदी संस्कृत की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उर्दू की फारसी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि और बंगाली की बंगला लिपि. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के बारे में सब कुछ. अभी के लिए इतना ही. बाय फॉर नाउ. हैव अ गुड डे एंड टेक केयर.